2019 में संसद में पास होकर कानून बन चुके सीएए को लागू करने में अब भी करीब 6 महीने का वक्त और लगेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में कहा कि गृह मंत्रालय को कानून को लागू करने के नियम बनाने के लिए 9 जनवरी 2020 तक का समय चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा इसके लिए और समय दें। भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार रात 8 बजे शुरू होने वाला दूसरा T20 मैच स्थगित कर दिया गया है। भारतीय ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। अगर दोनों टीमों के बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ नेगेटिव आते हैं तो यह मैच बुधवार को खेला जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को करीब 4 बजे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात है। इसके बाद ममता बुधवार को टीएमसी सांसदों से मुलाकात करेंगी। इससे पहले बंगाल की सीएम कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिली। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत चली। टोक्यो ओलंपिक में मंगलवार को भारतीय खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत सके। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स्ड इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने निराश किया। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष हॉकी ने स्पेन को 3-0 से हराकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में हार की निराशा को पीछे छोड़ दिया है। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए दिखाने के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी मंगलवार को खत्म हो गई। कुछ ही देर पहले उन्हें मुंबई के एस्प्लेनेटेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां डिफेंस की मजबूत दलील के बाद अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने कुंद्रा की कस्टडी बढ़ाने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनके लिए 24 घंटे काफी अहम है। लंग्स के बाद किडनी में भी इन्फेक्शन फैल गया है। बीते 7 दिनों से वह वेंटिलेटर पर हैं। उनका लखनऊ स्थित PGI में इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह से मिलने PGI पहुंचे हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में हंगामा जारी है। 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वे पेगासस जासूसी मामले में बहस की मांग कर रहे थे। ऐसे में हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए, फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। असम मिजोरम के बीच बॉर्डर विवाद में जो खूनी संघर्ष हुआ उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला किया है। इसमें मिजोरम से सटे 3 जिलों में कमांडो बटालियन की तैनाती का ऐलान किया गया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि कछार, करीमगंज, हेलकांडी में 3 कमांडो बटालियन की तैनाती होगी। दिल्ली सरकार ने इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के नाम भेजने का फैसला किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा कर हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। केजरीवाल ने बताया कि पद्म अवार्ड की सिफारिश के लिए जनता से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के नाम मांगे गए हैं। कुछ घंटों की बारिश में राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई, सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी। धौलाकुआं से एयरपोर्ट जा रही बस के अंदर पानी भर गया, लोगों को पैर उठाकर सीट पर बैठना पड़ा। दिल्ली के मथुरा रोड का हाल सबसे बुरा है। वहीं दिल्ली का दिल इंडिया गेट पर भी सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है।